नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल सुनील। ग्रेटर नोएडा में स्विगी के डिलीवरी बॉय ने रेस्टोरेंट मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी डिलीवरी बॉय फरार भी हो गया। बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय रेस्टोरेंट के बाहर ऑर्डर के इंतज़ार में था, लेकिन जब ऑर्डर देने में देरी हुई तो इस बात पर उसे गुस्सा आ गया और उसने रेस्टोरेंट मालिक को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना ग्रेटर नोएडा के बीटा टू थाना क्षेत्र के मित्रा सोसाइटी की है, जहां 45 साल के सुनील चमचम नाम से रेस्टोरेंट चलाते थे। ये रेस्टोरेंट ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करता था। 31 अगस्त की रात 12:15 बजे इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले नारायण और स्विगी के डिलीवरी बॉय के बीच विवाद हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि 31 अगस्त की रात स्विगी का डिलीवरी बॉय चिकन बिरयानी और पूरी सब्जी का ऑर्डर लेने आया था। इसमें चिकन बिरयानी का ऑर्डर उसे दे दिया गया, जबकि पूरी सब्जी का ऑर्डर में कुछ समय और लगने की बात कही गई थी। दरअसल आरोप है कि नशे में धुत डिलीवरी बॉय ने नारायण के साथ एक ऑर्डर में देरी होने के कारण गाली गलौज शुरू कर दी। इस पर रेस्टोरेंट संचालक सुनील मौके पर आ गया और विवाद ख़त्म करने की कोशिश करने लगा। आरोप है कि अपने एक साथी की मदद से डिलीवरी बॉय ने सुनील के सिर में गोली मार दी, जिससे वो मौके पर ही गिर पड़ा। गोली लगने की जानकारी होते ही नारायण अपने दूसरे साथियों की मदद से सुनील को घायल हालात में यथाहत अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद से ही आरोपी डिलीवरी बॉय फरार है। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।